हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सब लोग? आप सब बहुत अच्छे होंगे और सभी को हैप्पी मकर संक्रांति। आज है 14 तारीख, तो आज है मकर संक्रांति और गायना मनसा जाता है हमारे यहाँ भी। आप लोगों के अभी यही होता होगा, किसी के यहाँ दाल खिचड़ी मनसी जाती है। हमारे यहाँ होता है, एक्चुअली ऐसा होता है हमारे यहाँ कि बच्चे जो होते हैं छोटे अनमैरिड, वो लोग दाल खिचड़ी मनसते हैं और जैसे घर की सास बहुएं जो होती हैं वो गायना मनसते हैं पूरी वगैरह का। तो हमारे यहाँ वही होगा, गजक और पूरी का गायना मैं और मम्मी मनसेंगे और बाकी सब लोग दाल या चावल मनसेंगे, घी दाल चावल गुड़ वगैरह ये सब। तो बस आज रात में, मतलब कल रात से मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा था, बीपी बहुत ज़्यादा डाउन हो रहा था मेरा, तो उसकी वजह से आज मैं थोड़ा लेट उठी क्योंकि पूरी रात सोई नहीं थी। बहुत ज़्यादा बीपी लो हो रहा था, हाथ पैर में बहुत ज़्यादा झंझनाहट होती है ना, वो हो रही थी। तो बस उस चक्कर में थोड़ा थोड़ा लेट हो गया सारा काम। तो अब मैं जा रही हूँ नहाने। पहले तो मैं अभी के कपड़े धुल गए हैं, कल उसमें मशीन में पड़े रह गए थे, लाइट नहीं आई थी, तो अभी धुले हैं तो मैं सुखा देती हूँ। एंड उसके बाद फिर कैसे कैसे करते हैं, पूरा दिन क्या क्या करते हैं दिखाएंगे आपको, ठीक है? और हाँ, कुछ लोग बोलेंगे कि मकर संक्रांति 15 की है, आप लोगों ने 14 में सेलिब्रेट कर ली, तो वो एक्चुअली ऐसा है कि हर कोई त्यौहार आजकल आप लोगों को पता ही है दो बनाने लगे हैं कि कभी 14 कभी 15 कभी 14। हम लोगों के दिमाग में बहुत दिन से कन्फ्यूजन डाल रखा है कि 14 को है 15 को है 14 को। तो पापा ने पंडित जी से पूछा तो पंडित जी बोले कि दोनों दिन मना रहे हैं, आप अपने हिसाब से देख लो। तो फिर हमने सोचा 14 को मनाते आ रहे हैं हर टाइम हर बार से, तो फिर इस बार भी हम 14 को ही बनाएंगे। तो बस करते हैं जल्दी से काम से फ्री होते हैं, उसके बाद नहाते हैं, फिर वायना मंजते हैं, खाना बनाते हैं पहले, फिर वायना मंजते हैं, ठीक है? तो गाइस, फिर सबसे पहले मैं लगी अव्यू के कपड़े सुखाने के लिए, क्योंकि अव्यू के मतलब ठंड हुए कपड़े, अभी धूप निकल नहीं रही है, तो मैं रूम में डाल देती हूँ। रूम में थोड़ा सूख जाते हैं, खिड़की पे से हवा वगैरह आती रहती है, विंडो में से तो सूख जाते हैं, तो ये वैसे भी ड्रायर कपड़े थे तो मैंने सोचा यहीं डाल देते हैं। आधे में नहा के और अब मैं जा रही हूँ नीचे सब्जी वगैरह बनाने के लिए। 10:15 हो रहे हैं, जल्दी जल्दी काम निपटाया, जल्दी जल्दी सफाई करी, अब चलते हैं नीचे। आई थिंक मम्मी सब्जी काट रही है, मैं सब्जी छोंक दूंगी फटाफट से, तो चलते हैं नीचे, ठीक है? बताती हूँ मैं क्या क्या बना रही हूँ आज, ओके? दिखा भी दूंगी कैसे कैसे बना रही हूँ। तो गाइस, मैं बोल रही थी ना कि मम्मी सब्जी कट कर रही होंगी, तो मम्मी ये सब्जी कट कर रही है। जर्सी के लिए कही थी वो लेके ना आई मेरी, ना लाई मैं, हाँ ना लाई। हेलो कर दो, हेलो करो गाइस को, नहाई करने को कह रहे हैं। हाय हाय, अच्छा तुम क्या करोगे बता दो फ्रेंड्स को, तुम क्या करोगे, क्या करोगे? ये नहाने का बहुत दीवाने हैं, इन ठंड में कितनी भी ठंड हो इन्हें नहाना होता है बस। और ये पीछे इनके भजन चल रहे हैं क्योंकि ये भजन ही सुनते हैं ऑल टाइम, पूरा दिन इनके भजन चलते रहते हैं। चक्कर बेचारे बच्चे और परेशान हो जाते हैं कि हमारा कुछ नहीं चलता, जब से ये आया बस उसके भजन ही चलते रहते हैं। बबुआ नहीं है ये, इसे लग रहा है बबुआ है, अमरूद को ये बबुआ कहते हैं, तो इन्हें लग रहा है कि मम्मी जो है बबुआ छील रही है। अमरूद के बहुत शौकीन हमारे अभियु। अबू क्या खाओगे? अमरूद खाओगे? क्या खाओगे? बबुआ बता, हेलो कर दो गाइस को, हेलो हाय कर दो, हाय हाय, अरे सकली का मरिया क्या, हाय कितने प्यार से कर देखो, हाँ करो करो करो, हाय करो, हाय कर दो, हाय हाय करो, कह रहे हाय। आने वाले टाइम में मेरी ब्लॉगिंग यही संभालने वाला है 100%। हंस के दिखा दो, हंस के दिखा दो, हंस के दिखा ना, हंस के दिखा दो। तो गाइस बनाते हैं सब्जी, मम्मी ने कट कर दी है सारी सब्जी, बताते हैं कौन कौन सी, वैसे देख के समझ ही गए होगे यहाँ पे आलू कट हो रहे हैं तो आलू गोभी बन। तो गाइस यहाँ पे मैंने सब्जी चौकना स्टार्ट कर दिया था। सबसे पहले मैं बना रही थी आलू टमाटर रसी के, एंड उसके बाद मैंने बनाए थे आलू गोभी सूखे, क्योंकि हमारे जब भी पूड़ी बनती है तो एक रसे की सब्जी और एक सूखी सब्जी जरूर बनती है, क्योंकि ना ही मम्मी को पसंद खाली एक सब्जी और ना ही पापा को, तो हमारे अगर सब्जी बनती है तो वो दो ही बनती है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले आलू टमाटर चौंकूंगी, और सबसे आलू टमाटर में मैंने पहले डाल दिया हींग एंड जीरा। नहीं थी सब्जियाँ सारी दोनों, तो यहाँ पे मैंने ये टमाटर डाल दिए थे, जीरा डालना है, जीरा भून गया था, उसके बाद मैंने यहाँ पे ये टमाटर डाले थे। एंड उसके बाद मैं यहाँ पे डालूंगी हल्दी, हल्दी डालने के बाद में मैं बता देती हूँ अभी मैं कौन कौन से मसाले ऐड करूँगी। हल्दी, धनिया, मिर्च, नमक और वो चाट मसाला, बस मैंने यही मसाले डाले थे, रंग वाली मिर्च और साबुत मिर्च और हल्दी और धनिया और चाट मसाला, यही मसाले मैं यूज़ करती हूँ मोस्टली सब्जियों में। गरम मसाला हम यूज़ नहीं करते हैं आलू की सब्जी में, वरना वो कलरफुल ब्लैक ब्लैक हो जाता है थोड़ा, इन लोगों को येलो वाली सब्जी अच्छी लगती है। तो यहाँ पे ये आलू टमाटर का मसाला भुनना था।
पे ये मसाला भुन चुका था और मैंने इसमें आलू उबले हुए रखे थे वो मैंने ऐड कर दिए थे। मम्मी ने आलू पहले उबाल के रख दिए थे जब मैं नहाने गई थी। तो गाइस बस कुछ इसी तरह रहता है पूरा दिन सुबह का। आज तो चलो त्योहार था वरना डेली भी यही रहता है कि सुबह जल्दी उठो खाना वाना बनाओ और मतलब हम लोगों को ना 11 से 12 बजे तक ना खाना वाना बना के रेडी रखना होता है क्योंकि पापा वगैरह आते हैं। तो हमारा यही रहता है सुबह हम 9 बजे खाने में लग जाते हैं तो मैं सुबह 9 बजे खाना बना के रख देती हूँ 9 से 10 बजे तक ताकि पापा आए तो हो जाए। लेकिन डेली का वही आप लोग बोलते भी हो कि डेली का शेयर करा करो ब्लॉग, यार मैं डेली का नहीं कर पाती हूँ क्योंकि सेम रूटीन होता है, वही होता है सुबह उठो खाना बनाओ उसके बाद झाड़ू पोछा करो, सेम रूटीन होता है। इसीलिए हम लोग आपको कुछ नया दिखाना चाहते हैं। तो जब भी हम कहीं जाते हैं बाहर तो हम सोचते हैं वो चीज़ आपको ज़्यादा दिखाएं कि मुरादाबाद में क्या क्या है और हम लोग कैसे कैसे घूमते हैं क्या करते हैं। तो मैं सोचती हूँ वो चीज़ मैं आप लोगों को ज़्यादा दिखाऊँ। ये तो रोज़ का डेली का बोर ही हो जाता है बिल्कुल कि सेम रूटीन में भी आप लोग भी बोर हो जाओगे अगर मैं डेली एक ही चीज़ दिखाती रहूँगी तो वही आप लोगों को भी बोर लगेगा कि क्या एक ही चीज़ आती रहती है। इसलिए हम सोचते हैं कुछ नया करते हैं, वही हम लोग आप लोगों के साथ ज़्यादा शेयर करते हैं। तो इस टाइम तो वैसे भी शादी है तो कुछ ना कुछ नया लगा हुआ ही है, बट आज मेरे पास कहीं जाने के लिए नहीं था। मैंने सोचा चलो आज मकर संक्रांति का ही ब्लॉग शेयर करते हैं। तो उसमें वही था कि खाना बनाया फिर बाय ना मनसा एंड उसके बाद फिर हमें आगे कहीं जाना था वो अभी आप आगे देखेंगे। हम वहाँ गए कार्ड देने जाना था तो वो कार्ड दे के आए। तो मतलब मैंने सोचा चलो आज यही शेयर करते हैं क्योंकि बहुत दिन से आ रहा था कि दिया अपना डेली ब्लॉगिंग शुरू करो। तो डेली ब्लॉगिंग में यार मैं सोचती हूँ मैं कि हाँ मैं डेली ब्लॉगिंग करूँगी बट डेली देखो नहीं तो हम कहीं ना जा भी नहीं पाते हैं और फिर सेम रूटीन शेयर करके कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, आप लोग बोर हो जाओगे मेरे ब्लॉग से। तो मैं चाहती हूँ कुछ नया ही दिखाऊँ मैं आप लोगों को, तो इसीलिए मैं बस डेली का नहीं डालती हूँ। कभी कभी हो जाता है एक दो दिन का गैप हो जाता है वरना मैं मतलब डेली का जैसे वैसे मैं कोशिश यही करती हूँ कि आपके लिए अच्छे से अच्छे ब्लॉग ला पाऊँ और बाकी आप लोग ऐसे साथ दिया करो तो और अच्छा होगा। और फिर उसके बाद में मैं यहाँ पे ये गोभी आलू छौंकने लगी थी। गोभी आलू की मेरी काफ़ी रेसिपी पहले भी आ रखी है तो इसलिए मैं यहाँ पे ज़्यादा नहीं शेयर करूँगी, बहुत लंबा वीडियो जाएगा। तो बस वही बता देती हूँ मैं गोभी आलू कैसे छौंकती हूँ। गोभी आलू में वही मैं मैगी मसाला डालती हूँ जो कि मैंने आज नहीं डाला था, आज बस मैंने हल्दी मिर्च धनिया नमक से ही छौंकी थी। और क्योंकि वैसे चाट मसाला मतलब वो था नहीं, मैगी मसाला मंगाना पड़ता तो मैंने सोचा चलो वैसे ही छौंक देते हैं। तो ये आज मैंने ऐसी छौंकती थी गोभी। और गोभी की रेसिपी अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो मेरे पीछे बहुत सारे ब्लॉगों में एक दो मतलब बहुत सारे तो नहीं हाँ लेकिन दो तीन ब्लॉगों में मेरी गोभी आलू की रेसिपी है, काफ़ी अच्छी रेसिपी है तो आप लोग देख सकते हैं। तो फिलहाल अब खाना बन चुका है, अब मैं जा रही हूँ अव्यु के पास क्योंकि अव्यु रो रहा था एंड उसके बाद मैं जाऊँगी। आज मेरी पूजा नहीं हुई थी, मैं आते ही खाने में लग गई थी क्योंकि थोड़ा लेट हो रहा था तो मैंने सोचा पहले बायना मंसना है तो पहले खाना बना देते हैं और उसके बाद में सब्जी बनाने के बाद मैं पूजा करके आऊँगी। तो अब इसके बाद मैं जाऊँगी पूजा करने। अव्यु कहाँ जा रहे हो? जय जय। अच्छा कैसे करोगे, कैसे करोगे? जय जय बताओ कैसे करोगे, जल्दी बताओ। अच्छा जय जय कैसे करोगे, ऐसे? और घंटी कैसे बजाओगे? ऐसे हम कहाँ मम्मा के साथ कहाँ जा रहे हो? जय जय। अच्छा राधे राधे कर दो, राधे राधे कर दो, नीचे जाएंगे ना राधे 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 करो करो दादी दादी करो। जय बोलो, जय जय बोलो, जय बोलो, बोलो जल्दी तेजी से बोलो जय। तो भगवान जी की जय बोलो, जय जय बोलो, चलो बोलो जय 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 बोलो। जय 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 जय। फिर कार्ड ले आना यहाँ से निकाल के ना व्हाट्सएप करने जिन लोगों को, उन लोगों को व्हाट्सएप है ना। कपड़े उतारो अपने, ये निकालो अपने, ये निकालो कहाँ जा रहे हो? बता दो मम्मा को, बता दो कहाँ जा रहे हो? नहीं नहीं जा रहे हो। ओके बाय, बाय कर दो, नहाने बाय कर दो, बाय बाय बाय। ओके अच्छा गाइस को हाय भी कह दो, हाय 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 हाय। कहाँ जा रहे हो तुम? नहीं नहीं ठीक है। बाबा के संग गुड़गुड़ गाड़ी पे कैसे जाओगे बता दो, ऐसे मारती हैं आपको? बता दो मम्मा कैसे मारती हैं आपको? और फिर आप कैसे रोते हो जल्दी बताओ, फिर कैसे रोते हो आप? नहीं रोते कैसे हो? नहीं बताओगे रोते कैसे हो? नहीं मुंह बना के बताओ कैसे रोते हो, कैसे रोते थे वो बुआ, कैसे रो रही है? कैसे रोते हो फिर, कैसे रोते हो फिर मम्मा जब मारती हैं तो?
ऐसे मारते हो? और फिर रोते कैसे हो? ऐसे रोते हो? अच्छा सुनो, हंस के दिखा दो, हंस के। अभी ऐसे करते, जे 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 जे। अच्छा ऐसे कर देते कैसे? अच्छा हम किसके घर जाएंगे? नाना। नाना के घर जाएंगे ये। और हमारे घर पे चीज लेके कौन आया था? नाना आए थे चीज लेके। अच्छा सुनो, आप क्या कहते हैं, आपकी आईज कहाँ? अच्छा सुनो, आप काजल कहाँ पे लगाते हो? काजल यहाँ पे लगाते हैं ये काजल। और आपकी नोज कहाँ है? नोज, नोज ये तो आईज है, नोज कहाँ है? अच्छा शो योर टंग। और हेयर कहाँ है तुम्हारे? हेयर्स कहाँ है? हेयर है। अच्छा सुनो, दादी कहाँ है आपकी? दादी ये। और लल्ली बुआ कहाँ है? ये। जिसको हम पूछो उन्हीं की तब देख के हंसते हैं ये। अच्छा फ्रेंड्स को हेलो कैसे करते हो आप? हाय हाय। अच्छा सुनो क्यों पतली कमरिया? हाय हाय। आपको मम्मा आपको कैसे निन्नी कराती हैं बता दो? ऐसे निन्नी कराती हैं मम्मा इनको। ले जाओ चलो निन्नी करेंगे, लेटो 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 निन्नी करेंगे। लेट गए लेट गए। अच्छा निन्नी कैसे आती है? नहीं मम्मी ने कंधे पे हाथ लगा दिए था। मम्मा किन्ने मारा? बुआ ने मेरे को मारा। दादी ने मारा? बुआ ने थोड़ी, दादी ने मारा। किन्ने मारा? बुआ। कौन आया है? मामा। मामा आ गए? अभी के मामा आए हैं? अच्छा मम्मी आली, अभी उसके मामा आ गए भैया। मामा आए हैं, मामा फिर नस्खत लिया है। ये जो मामा क्या क्या लाए, और क्या क्या लाए भाई? ये हमारी बिरयानी। मामा के चोट लग रही है गाइस। रोहित भैया के ना चोट लग गई थी, रोहित भैया ना गिर गए थे तो रोहित भैया के सर में बहुत ज्यादा चोट आई है, बट फिर भी वो संक्रांति का त्योहार लेके आए हैं। ये होता है भाई बहन का प्यार, मायके का प्यार है। अब सही है वैसे दर्द वगैरह? कुछ नहीं है। दर्द नहीं है? कुछ भी नहीं है। तो पहले दिन ज्यादा ही खुल गई है पीछे, कह रहे वो खुल। अगर पापा हल्दी नहीं डालते उस दिन, हल्दी ना डाल देना तो खुल जाती। अभी रोहित भैया वो संक्रांति का होता है ना दाल चावल खिचड़ी का आइटम और गजक वगैरह वो लेके आते हैं, क्योंकि आता है ना मायके से संक्रांति, तो वही आई है। और यहाँ पे मम्मी और दीदी सेक रही हैं पूड़ी, फिर हम मनसेंगे बाय ना। मामा आ रहे हैं, वो आवाज दे रहे हैं मामा को। मामा नीचे आ जाओ, मामा गए वॉशरूम। तो गाइस अब जल्दी से मायना मनसते हैं, बाकी पूड़ी गरम गरम सबके लिए तभी सेकेंगे। मामा देखना आवाज लगा रहा है, आवाज दो, आवाज देना बाबू। मामा, मामा का दीवाना आवाज दे रहा है मामा को, जाओ। वगैरह से फ्री हो गए थे, पापा वगैरह आ गए थे, सबको खाना वाना खिला दिया। और अब हम तीनों, अरे हम चारों नहीं, हम पांचों, अब हम पांचों जा रहे हैं। हमारी माई सास है, हम उनके यहाँ जा रहे हैं इनविटेशन देने शादी का कार्ड लेके। तो मैं और मम्मी जा रहे थे, मुस्कांती बीच में घुस गई, मैं भी चल रही हूँ, तो हमने कहा चलो तुम्हें भी ले चलते हैं। फिर अविक बोला मैं भी चल रहा हूँ, तो अविक को भी ले चलते हैं। फिर मम्मी को पता है लालच आया स्कूटी का, वैसे घर के पास में ही रहती है वो, पर मम्मी को था लालच कि मैं स्कूटी से जाऊं, तो उन्होंने रोहित भैया से भी कह दिया तुम भी चल लो। तो ऐसे कर करके धीरे धीरे हम पांच लोग हो गए जाने वाले, तो चलते हैं फिलहाल। ठीक है अभी आए ना, क्या हो गया इससे? क्या हुआ?
क्या हो गया? ब्लॉग में भी तो आना चाहिए, हमने माइन को बुलाया। नहीं होता है बाबा, बाबा। ये भगवान जी मेरी बंदी है ना, हनुमान जी। अच्छा, बाबा देखिए, वो देखिए बाबा ना, बहुत बाबा था। हाँ बाबा, डांट पड़ेगी बहुत आप काटे हो। क्या हुआ? तो चलो माइन के घर से तो आ गए हम लोग, और मतलब थोड़ा अभी बहुत ज्यादा रोने लगा था, तो थोड़ी देर ही बैठे हम, ज्यादा देर नहीं बैठे। और भैया को भी फिर घर जाना था तो हम जल्दी आ गए। मैंने चेंज तो कर लिया बट अपनी झुमकियां नहीं निकाली, तो अभी सोया है बिल्कुल, फिर सुला दिया। अब पतिदेव अभी तक आए नहीं है, 3:30 या 4 बज रहे हैं शायद। हाँ 3:30 हो रहे हैं, पतिदेव अभी तक आए नहीं है, उन्हीं का वेट कर रहे हैं वो। तो अब फिलहाल बज रहे हैं 3:30, इस ब्लॉग को कर देते हैं यहीं पर एंड, और मिलते हैं कल वाले ब्लॉग में, नेक्स्ट ब्लॉग में यानी कि। तो जब तक के लिए टाटा बाय बाय। और हाँ, आपको ये वाला ब्लॉग अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, बेल आइकन को तो प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। के लिए टाटा बाय बाय।